नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। जब हम स्वेटर बनाते हैं तो ढेर सारे हमारे पास ऊन बच जाते हैं, तो आज हम उन्हीं ऊनों का उपयोग करते हुए एक सुंदर सा डिजाइन बनाएंगे। इसे बनाने के लिए फंदों का कोई बंधन नहीं है, आप अपने स्वेटर के अकॉर्डिंग कितने भी फंदे डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो और डिज़ाइन यदि आपको अच्छा लगता हो तो कृपया इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद आप पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लें। ये डिज़ाइन का लाइन नहीं है बल्कि ये बेस लाइन है। हमारा डिज़ाइन रॉन्ग साइड से शुरू होता है तो हम पहली लाइन में सीधा बुनते हुए दूसरी तरफ आएंगे। तो पहली लाइन में हमने सभी फंदे सीधा बुन लिया और हम दूसरी साइड में आ गए हैं। हम तो यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होता है, तो डिज़ाइन का पहला लाइन और रॉन्ग साइड। अब हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए हैं और हम राइट साइड में हैं, तो डिजाइन का दूसरा लाइन और सामने से। तो पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, अगले फंदे को हमें बुनना नहीं है, इसे स्लिप कर लेना है। अगले फंदे को हमें बुन लेना है, नेक्स्ट फंदे को हमें स्लिप करना है, अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा उल्टा। तो हमें एक फंदा उल्टा बुनना है और अगले फंदे को स्लिप कर लेना है। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। एक फंदा उल्टा, अगला फंदा स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदा उल्टा, अगला फंदा स्लिप करना है और लास्ट फंदा उल्टा। तो ये हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब डिजाइन का तीसरा लाइन और सामने से। तो जिस फंदे को हमने उल्टा बुना है उसे हमें रॉन्ग साइड से भी उल्टा बुनना होगा और जिस फंदे को हमने स्लिप किया है उसे हमें सीधा बुनना होगा। अब देखिए, ये फंदा हमने उल्टा बुना था तो इसे हम वापस उल्टा ही बुनेंगे और नेक्स्ट फंदा हमने स्लिप किया था तो इसे हम सीधा बुनेंगे। उल्टा वाला फंदा, देखिए इस फंदे को हमने उल्टा बुना था तो रॉन्ग साइड से भी हम इसे उल्टा ही बुनेंगे और इस फंदे को हमने स्लिप कर लिया था तो इसे हम सीधा बुनेंगे। तो एक फंदा उल्टा, उल्टा बुना हुआ फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा उन दूसरी ओर, एक फंदा सीधा उन अपनी ओर, एक फंदा उल्टा उन दूसरी ओर, एक फंदा सीधा। तो एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिजाइन का चौथा लाइन और सामने से। तो चौथे लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। पांचवी लाइन में फिर हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। और छठी लाइन में पहला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, फिर अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा उल्टा। तो इन्हीं तीन फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है। एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा उल्टा बुनना है, एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा उल्टा, यानी हमारा दूसरा लाइन। डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही आसान। जिसे सीधा उल्टा बुनने आता है, जिसे सिर्फ सीधा उल्टा बुनने आता है, वो भी इस डिजाइन को आराम से बना सकता है। तो अब सातवीं लाइन और
रॉन्ग साइड, तो जिस फंदे को हमने उल्टा बुना है उसे हम रॉन्ग साइड से भी उल्टा बुनेंगे, और जिस फंदे को हमने स्लिप किया है उसे हम सीधा बुनेंगे। तो इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, उन अपनी ओर एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर एक फंदा सीधा, और लास्ट फंदा उल्टा है इसलिए इसे हम उल्टा बुन लेंगे। और आठवीं लाइन और सामने से तो सभी फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे। नवी लाइन में हम अपना तीसरा कलर अटैच करेंगे और इन्हीं चार लाइनों को वापस हम दोहराएंगे। यानी बेसिकली चार लाइन का ही ये डिजाइन है, और चार लाइन कंप्लीट होने के बाद हम अपना अगला कलर लगा दे रहे हैं। तो इन्हीं चारों लाइनों को हम दोहराते जाएंगे, उनका कलर बदलते जाएंगे और डिजाइन बनता चला जाएगा। सामने से देखिए ये ऐसा है और रॉन्ग साइड से ऐसा। आप इसे बच्चों के स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, कैप में, हैट में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.